टेस्ट में कितने नंबर आए तेरे? मेरे 93। और पिछली बार की कट ऑफ कितनी है? 47। देख लो। हाँ दिखाइए भाई साहब। नहीं नहीं भाई बिल्कुल नशा नहीं है आंखें, बिल्कुल दिखा दे आंखें इधर। नहीं हल्का हल्का है, नहीं नहीं नशा है भाई। राम राम भाई सभी को। जितने भी बच्चे एस एस सी जी डी की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है बहुत कम समय बचा आपके लिए। और अभी हमारे अकेडमी में लगभग हर एक बच्चा, मैं आपको बता दूं, एस एस सी जी डी के जो बैच वाले हैं वो लगभग रात को 2-3 बजे तक पढ़ते हैं, ये एस एस सी जी डी के बैच वाले हैं। और जो आर्मी वाले बच्चे हैं वो भी कम से कम 1 बजे तक फिक्स किया हुआ हमारा, 1 बजे तक स्टडी चलती है, क्योंकि रात को अच्छी पढ़ाई हो जाती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग के चक्कर में क्या नींद आती रहती है, तो आप ऐसी रूटीन जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो और तो याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी मन से पढ़ोगे तब याद होगा, बहुत सारी गलत धारणाएं बन जाती है। पढ़ने के लिए आपका मन होना चाहिए, सुबह या शाम का समय नहीं। तो हम क्या करते हैं कि रात को 1-2 बजे तक पढ़ाते हैं, सुबह आराम से उठाते हैं 7 बजे और सीधा नाश्ता करके नहा धो के फिर क्लास में बिठाते हैं। ये नहीं कि सुबह 4 बजे उठा देते हैं, क्योंकि रात को लंबी स्टडी चलती है, फिजिकल के लिए अर्ली मॉर्निंग समय ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, चलिए बच्चों से भी आपको मिला देते हैं, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि कम समय है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए तो आपको बहुत अच्छी स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको मिलाते हैं, कुछ को नींद भी आ रही होगी तो उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। ये नई लाइब्रेरी का सिस्टम लग रहा है हमारी अकेडमी में, वैसे लग चुका है कहीं, और ये नया है पूरा का पूरा। अभी कोई है नींद वाला? कोई नहीं। अच्छा, किसी को नींद नहीं आ रही? किसी ने किसी की आंखें तो बोल ही रही होगी भाई। हाँ, किसी की आंखें नहीं बोल रही है, इसकी बोल रही है। हाँ देखो ये रहा, हैं आंखें लाल है, कब से? 2 दिन से। नींद तो नहीं आ रही? पक्का? चेहरा बोल रहा आ रही है, लेकिन ये बोल रहा नहीं आ रही। हाँ, और कौन है वो लास्ट? पक्का? देखो भाई इसकी आंखें, देखो ये लो जूम कर दिया मैंने, और देखते हैं किसकी आंखें है, किसकी आंखों में नशा है, देखते हैं। देखिए है, सचिन की आंखों में नशा है। हाँ दिखाइए भाई साहब। नहीं नहीं भाई बिल्कुल नशा नहीं है आंखें, बिल्कुल दिखा दे आंखें इधर। नहीं हल्का हल्का है, नहीं नहीं नशा है भाई। आप खुद बता देना कमेंट में, तब मानेगा ये। मैं इसको कमेंट भी दिखा दूंगा। आपको क्या लगता है, ये थोड़ी बहुत झपकी मारा है कि नहीं मारा? झपकी हल्की सी मारा है, 5-7 मिनट की। नहीं नहीं मैं देख रहा था उसमें कैमरा, कसम से। और क्या पढ़ रहा है तू? जीके। क्या पढ़ लिया है तूने? अच्छा अच्छा, क्या पढ़ लिया, कितने पेज पढ़ लिए शाम से अभी तक? क्या पढ़ रहा है? पहली दूसरी बुक ले रहा है। तो दूसरी वाली बुक तो पूरी पढ़ दिया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। सेम बार ना मत मारा कर हर बार। थोड़ा सा तो शिकार है भाई। अभी देख इससे पूछूंगा, ये हर बार नहीं मारता है। इसने इंग्लिश की किताब लेके बेटा, पता गुरुजी को आती नहीं इंग्लिश। गुरुजी मैथ के हैं, मैथ की कभी लेता नहीं है। तो थोड़ा सा शिकार है तेरे ग्रुप का आदमी। इसने तेरे को बता था पिछली बार भी यही बोला था वहां पर बैठा था, सेम एक ही बहाने से चला रहा है। फिर बाद में बोलता है मेरे को कैसे पकड़ लेते हो। अपडेट करो इसको यार। क्या नाम है प्रभु? सुनील कुमार। क्या नाम है? सुनील कुमार। कहाँ से? एक अहमद बिहार से। बिहार में? अच्छा, तभी रेशम चंद्र ठाकुर के पास बैठा, बिल्कुल करीब। रेशम चंद्र ठाकुर भी बिहार से और तू भी बिहार, बिहार से ग्रुप बना रहे हैं। हाँ प्रभु, क्या नाम है? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह बिहार से। हाँ, क्या नाम है? जयराम यादव। कहाँ से? एमपी। अच्छा, यादव एमपी से। अभी तो यादव एमपी में मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। तभी दीपान दिल्ली से। दिल्ली से। यूपी से वाराणसी। क्या नाम है? यशलाल। यशलाल। प्रियांश तोमर। कहाँ से? यूपी गाजियाबाद। अरे ये बिहारी भाई किसने लिखा पीछे? यहाँ लिखा चाय वाले क्या भैया, जॉन बनेगा डॉन। कौन लिखता है ऐसे हैं? और कौन है लेटेस्ट? अच्छा ये यहाँ ना लेटेस्ट। क्या नाम है? प्रसाद। कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से।
नाम? अजय। अजय कहाँ से? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर राजस्थान से भाई, ठीक है। कब आए थे अजय? आपको रुक जा रही यार, बोल दिया नहीं तो मैं पूछ लेता, लोग बता देते पक्का इसको 2 से 3 दिन ही में, चेहरा बता रहा 2-3 दिन ही में, नहीं तो देखो पुराने खपटी। कितने दिन हो गए? 10 महीने हो गए ना ये घर नहीं जा रहे, पुराने खपटी है। जब जब पहले आता है 1-2 दिन ऐसा चेहरा रहता है और फिर ऐसा हो जाता है। हाँ तो मन नहीं लगा होगा ना वहाँ, नहीं मन नहीं लगा होगा ना घर पे तेरा? नहीं छुट्टी तो कहाँ मिलेगा हैं? ये तो चलो देखते हैं उधर महकमे में कोई मिलते हैं कि भाई इधर देखे मिलता है क्या कोई नींद वाला प्राणी। अरे किसी को नींद तो नहीं आ रही? नहीं सर। किसी की आंखों में नशा है क्या? इधर देखो देखे ये लाइन वाले हैं, देखते हैं किसी की आंखों में नशा है क्या। नींद का मतलब है कोई? कौन है? कौन सा लाल? सुंदरलाल कहाँ है? सुंदरलाल दिखा देखें। नहीं 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 बिल्कुल नशा नहीं भाई, इनको नींद नहीं आएगी क्योंकि ये SSGD का पेपर है, पेपर फाइट करना है तो इनको नींद नहीं आएगी भाई। हैं? नींद आएगी तो काम कैसे चलेगा प्रभु? हैं? कैसे काम चलेगा प्रभु? हैं? नींद लेने से काम नहीं चलेगा। जो सोवत है सो, खोवत है जो जागत है सो, पावत है। अच्छा जो जागत है जो पावत है, तो फिर तुम पालो थोड़े थोड़े से जूत। पूछ लेते तुमसे 2-4 क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुमसे हैं। हाँ ये हाइब्रिड है, वैसे काफी लोग बोलेंगे कि ये मोबाइल कैसे चला रहे हैं। अरे मोबाइल नहीं चला रहे हैं ये, इनको टेस्ट के लिए और थोड़ी सी क्लासों के लिए कि कुछ इनके जो कमजोर सब्जेक्ट है उसकी क्लास से ले सके, इसके लिए शाम को 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक मोबाइल अलाउ किया हुआ है। कितने बजे तक? 1 बजे तक। 1 बजे तक पढ़ना भी अनिवार्य। हाँ रात को 1 बजे के बाद में कौन कौन पढ़ रहा था हाथ खड़े करो, देखे सब आ रहे हो कैमरे में 1 बजे के बाद में। अच्छा इतने लोग थे जो 1 बजे के बाद में पढ़ रहे थे, 2 बजे तक कौन कौन थे हाथ खड़े करो? अच्छा ये 2 बजे तक थे, 2:30 बजे तक कुछ हाथ कम हुए हैं, 3 बजे तक, 4, 3:30 बजे तक। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, बहुत मतलब कि तुम तो। हाँ लड़कियों में से बेटा सुबह 9 बजे तक। अरे शाम को 9 बजे तक कौन कौन पढ़ रहा था? नहीं ये भी लड़कियां 1 बजे तक तो पढ़ ही रही थी सारी, इसमें क्या संदेह है? 1 बजे तक तो सब पढ़ रही थी हैं प्रभु, 1 बजे तक तो सब पढ़ रहे थे ना। एक बजे तक भाई सब के सब खींच रहे हैं मीटर हैं? देख रट डालो देखे सारी किताबों को, बढ़िया से। हाँ अभी इनमें से कईयों के बाल भी ज्यादा उग रखे हैं तो वो भी काम करेंगे भाई हैं? हाँ क्योंकि साफ है उनको नहीं, लेकिन कईयों के मुंडन करने पड़ेंगे आज मुझे ऐसा लग रहा है। SSGD वाला ध्यान रखना भाई, तुम्हारे कौन सी रात चल रही है? मेल की रात चल रही है, मतलब तुम 20 तारीख को दूल्हा बन जाओगे, इसलिए क्या करना है पूरी रात नाचना है। जैसे मेल में नाचते हैं ना शादी के 1 दिन पहले, वैसे पूरी रात नाचना है। नहीं रात अभी रातिज को देते रहो, रातिज को राजस्थानी हैं? हाँ क्या बता दे, बात बता दे। बांध बैठा दिया। अच्छा बांध बैठा दिया ना, डोरे बंद गए हैं क्योंकि एडमिट कार्ड आगे स्टेटस जारी हो गया, इसका मतलब डोरे बंद गए हैं, पीले चावल बट गए हैं। यार अब मेल की रात है तो पूरी रात नाचना है, ये नहीं 10-15 दिन है तो खींच तो देंगे मीटर बढ़िया से, समझ गए? ध्यान रखो भाई, अब पढ़ाई कर लो, ये आखिरी मौका है, फिर क्या पता SSGD में क्या बदलाव हो जाए नया, फिर तुमको आए ना आए,
इस बार पेपर खुल गया यार, दे दो देखे बच्चे। किस किस को ऐसा लगता है कि वो इस बार नंबर मार देगा, देखें। और इतने लोगों को लगता है इस बार नंबर मार देंगे। लो भाई देखो, लड़कियों में से हाथ कम खड़े हुए भाई है। लड़कियों को कॉन्फिडेंस नहीं, इनको पता है राम भरोसे है, हो सकता हो भी जाए ना भी हो है। अरे विश्वास तो होना चाहिए कम से कम खुद पर। हाँ तो ध्यान रखो भाई है? अच्छा अच्छा ध्यान रखो। एक चीज ध्यान दो भाई, सारे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफी अंतर होता है, ध्यान रखना। ऑनलाइन उनके लिए बेटर है जिसे अभी ये भी ले रहे हैं, जो कम से कम एक बार ऑफलाइन पढ़ा हो, समझ गए। अगर सीधे ऑनलाइन में चले गए ना तो बहुत समय लग जाएगा चीजें सीखने में। कम से कम आप एक बार 3 महीने 4 महीने 6 महीने जरूर ऑफलाइन लो, जहां पे भी आपका नजदीकी सेंटर वहां से लो। लेकिन ऑफलाइन से इंक्रीज ज्यादा होता है कि नहीं होता रे? ऑफलाइन विथ ऑनलाइन यानी हाइब्रिड ले लो, यानी ऑफलाइन पढ़ो ही पढ़ो, थोड़ा सा सपोर्ट ले लो ऑनलाइन का, नहीं तो फिर ऊपर जो मैसेज आएंगे ना वो नोटिफिकेशन है वो पढ़ने नहीं देगी। अरे अपवाद होता है ना, तो ऊपर वो अपवाद आते रहते हैं तो पढ़ने नहीं देते हैं। ऑफलाइन जान को ऑफलाइन तैयारी, जैसे अब इतने दिन इनके पास मोबाइल वोबाइल नहीं था तो बढ़िया से कोर्स हो गया, बढ़िया से जस के पढ़ लिए, और अब क्या हो रहा है उस पर घसा लग रहा है, धार आ रही है तलवार पर, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसलिए ऑफलाइन में से कईयों में। और हाँ ध्यान रखना, ये सारे के सारे सितारे थे एक टाइम के है, इनके पहले जब शुरुआत में टेस्ट लिया था ना एसएससी जीडी का, जगदीश आर्मी वाले से जब स्टार्ट में आया था कितने नंबर आए थे आर्मी में? नहीं पहले टेस्ट लिया था एसएससी जीडी का, सबसे पहला टेस्ट 70-75, और अभी कितने आ रहे हैं, लास्ट टेस्ट में इसके आए 130, लगभग डबल चला गया भाई। ऐसे ही जब स्टार्ट किया आर्मी का पहला टेस्ट दिया उसमें कितने आए थे जब आया था तब सबसे पहले है ना, फिर उसमें किस में रहा था, रनिंग में रहा था, रनिंग में रहने के बाद में एकेडमी आया था है ना। एसएससी जीडी में 70 से अभी 130 है, और कट ऑफ का भी ध्यान रखना राजस्थान वालों कम से कम 135 प्लस टारगेट होना चाहिए, 5 नंबर और ऊपर बढ़ना भाई अभी, ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई इन सबको कि इनकी मेहनत तो बहुत अच्छी है, नंबर भी बहुत अच्छे ला रहे हैं, तो थोड़ा ये गलत पैदा जगह हुए। अगर ये मणिपुर मेघालय मिजोरम उड़ीसा या तेलंगाना आंध्र प्रदेश अगर उधर ये पैदा हुए होते ना तो ये सारे के सारे फौजी होते अब तक, मतलब ये और कॉन्फिडेंस में होते जैसे भूपेंद्र नाइक है, ये रहा भूपेंद्र नाइक, ये और कॉन्फिडेंस में है। भूपेंद्र नाइक लास्ट टेस्ट में कितने नंबर आए थे मेरे? 93 और पिछली बार की कट ऑफ कितनी है 47 देख लो मतलब नौकरी पक्की है। तो भाई जितने भी उड़ीसा झारखंड, मैं आपको बता देता हूँ, उड़ीसा झारखंड पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ बिहार नक्सल एरिया मेघालय मणिपुर मिजोरम पश्चिम बंगाल और अपना ये क्षेत्र आ गया कर्नाटक केरल तमिलनाडु, अगर यहाँ का कोई भी बच्चा देख रहा है ना, हाँ गुजरात जम्मू कश्मीर पंजाब सिक्किम पंजाब, यहाँ की तो 100% गारंटी है। ये जैसे भूपेंद्र नाइक की है 100% देख लो, इसका वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो बाद में क्या पता मुकर जाए कहीं चाचा को पापा बोल दे तो बाद में मुकरने नहीं दूंगा, इसलिए मैं पहले रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। हाँ भूपेंद्र नाइक जी सर, बाद पेपर भी नहीं सर है? नमक खाए हाँ कई नमक हरामी होते हैं हमारे कुछ चेले हैं, भूतपूर्व चेले एक्स चेले, हाँ वो भूल गए किसको पापा किसको चाचा बोलना है, गलती से बोल दिए, फिर बोले मैं तो गलती से बोल दिया, अरे बावली ठीक है। इसीलिए और उनके भी वीडियो प्रूफ है, लेकिन मैंने कहा अब क्या ही डाले हैं, तो भाई ध्यान रखना, अब तुम गलत जगह पैदा हो गए, जिस स्टेट में पैदा हुए ना वहीं के हिसाब से नंबर लाने पड़ेंगे। तुम सोचते तो होंगे ना कभी कभी यार राजस्थान में क्या
हरियाणा वाले सोचते यार काश हम ऐसे जीडिया भरूं इधर उधर कहीं से लगा लेते हैं, कुछ जुगाड़ कर लेते। ठीक है, राजस्थान की मेरिट कम जाती है, उड़ीसा की ज्यादा जाती। हाँ, अगर तुम सारे उड़ीसा चले जाते फिर उड़ीसा की ज्यादा हो जाती, राजस्थान की कम आ जाती है। तो कुल मिला के जहाँ पैदा हुए ठीक है, बस थोड़े नंबर अपने को कवर करने पड़ेंगे। अरे भाई रात 12 बजे का माहौल है, ध्यान रखना। तुमको लग रहा होगा सुबह का है, अभी क्या टाइम हुआ भाई? 11:57। हाँ देखो इसने व्हाइट व्हाइट कलर की घड़ी ले रखी है, तो ये रात 12 बजे का माहौल है। ये बलो रात्रि को 12 बजे सूट हो रहा है, ठीक है। हाँ यात्री के घर पे ध्यान दे।